थाना इटौंजा पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता, मादक पदार्थ बिक्री करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही है। राजधानी तहसील बख्शी का तालाब थाना इटौंजा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एसपी ग्रामीण हरदेश कुमार के आदेशानुसार व क्षेत्राधिकारी बीकेटी नवीना शुक्ला के पर्यवेक्षण में थाना इटौंजा प्रभारी रविन्द्र कुमार को मिली बड़ी सफलता। मादक पदार्थ बिक्री करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा सलाखों के पीछे। अभियुक्तगढ़ के पास से 1 किलो 550 ग्राम अवैध गांजा व 1 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 1 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व 1 अदद तौलने की छोटी मशीन बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता आदर्श कुमार पांडे उर्फ महाकाल, पुत्र अशोक कुमार पांडे, निवासी अशोक रोड कस्बा इटौंजा थाना इटौंजा लखनऊ, उम्र करीब 35 वर्षीय। मोहित कुमार दीक्षित, पुत्र रंजन दीक्षित, निवासी कस्बा थाना इटौंजा, उम्र 19 वर्षीय। राहुल पुत्र दयानंद यादव, निवासी रायपुर राजा थाना इटौंजा जनपद लखनऊ। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम उप निरीक्षक सर्वेश शुक्ला, उप निरीक्षक हंसराज सिंह, उप निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार वर्मा, उप निरीक्षक विसिमिता चौधरी, कांस्टेबल दिनेश कुमार, कांस्टेबल अर्पित बिश्रोई, कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार महिला कांस्टेबल, पूजा शर्मा महिला कांस्टेबल, शिवानी शर्मा। थाना पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता, मादक पदार्थ बिक्री करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। थाना इटौंजा पुलिस टीम ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा सलाखों के पीछे। थाना इटौंजा पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। आज थाना इटौंजा पर प्रेस वार्ता की जा रही है और काफ़ी जो है 3 मुलजिम पकड़े गए हैं गांजे के साथ में, तो इस पर क्या कहना है आपका? ये प्रदेश व्यापी अभियान है अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध और अवैध शराब के विरुद्ध, जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर विशेष रूप से इस इन वस्तुओं के ऊपर फोकस किया गया। इसके अंतर्गत बीते 24 घंटों में हमारे जनपद के 5 थानों में से 3 थानों में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है तथा अन्य 2 थानों में भी शराब पकड़ी गई है। तो जो गांजा पकड़ा गया है, 3 प्रकरण ऐसे जिसमें गांजा पकड़ा गया है, 1 प्रकरण में इसमें एक बरामद हुई है। सबसे बड़ी बरामदगी थाना इटौंजा पे हुई है, 1150 ग्राम की। उसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें 1 के पास से अवैध शस्त्र भी बरामद हुआ है। पीकेटी में भी गांजा 1 व्यक्ति से बरामद हुआ, दूसरे व्यक्ति से इसमें बरामद हुई और निगुहा थाने में भी 510 ग्राम गांजे बरामदगी पर 1 अपराधी को पकड़ा गया। सर, क्या इन लोगों का जो है कई वर्षों से ये कार्य चल रहा था, कितने वर्ष? हाँ, खासतौर से निगुहा में जो गिरफ्तारी हुई है, इनका अच्छा खासा क्रिमिनल हिस्ट्री है। विशेष रूप से NDPS एक्ट का ही इनके द्वारा ये अपराध किए जाते रहे हैं। कुछ ये अभी मेरी वार्ता हुई, पूछताछ भी किया गया, तो ये कुछ अपनी अलग से चोरी बता रहे थे पूजा वगैरह को लेकर, लेकिन इनके द्वारा लगातार ये बरामद की जा रही है जी, इनके द्वारा बिक्री भी की जा रही है। यहाँ पर कुल इसमें इटौंजा की जो मैं मात्रा बता रहा था गांजे की, उसको सही कर लीजिए, 1550 ग्राम यहाँ से बरामद हुआ जी।